रेजोनेंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट कवर किया था और मैंने उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कराए, जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसा कि प्रॉमिस किया था, तो उसी हिसाब से सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, अभी हम सारी चीजों को कवर करते हुए बहुत अच्छे से मूव करेंगे एंड आई होप आपको ऑर्गेनिक अच्छी लग रही हो, आप लोग साथ में कंप्लीट वीडियोस देख रहे हो और आप हिट द बटन लाइक इफ यू रियली लाइक द वीडियो। ठीक है, इफ यू रियली लाइक माई हार्ड वर्क प्लीज हिट द बटन लाइक, जिससे मुझे ये पता लगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको कंटेंट सही लग रहा है। तो वो सारी चीजें क्योंकि मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो लेट मी नो कि वो सारी चीजें मैं कवर कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस तो देखिए स्टूडेंट्स, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है जब एक मॉलिक्यूल और आयन की सारी प्रॉपर्टीज को हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उस कंडीशन में हमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है उसके सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, यानी कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हो तो उसमें सारी चीजें सेम रहती है, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम रहेंगे, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी। फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में। अरेंजमेंट सेम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस हो जाएगा और इसी फिनोमिना को आप रेजोनेंस बोलते हो। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं बेंजीन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन। अब देखिए बेंजीन में हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो हम सब जानते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट। अगर मैं इसके रेजोनेट मतलब इसके दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हो सकता है, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ है। अब पोजीशन देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क आया है, बाकी सब कुछ सेम है, यानी कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ टू हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी इस तरीके से है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको सेम अरेंजमेंट मिलेगी। सिर्फ फर्क कहाँ आया कि पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, अब डबल बॉन्ड यहाँ है, ये वाला डबल बॉन्ड पहले यहाँ है फिर यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ आ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क आया है सिर्फ। ठीक है, अरेंजमेंट और सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर हम इसका इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड इस रिंग में कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ 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 हर जगह हो सकता है ना। तो यानी कि हम इस चीज को इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, मतलब डॉटेड सर्कल के फॉर्म में शो कर देते हैं। डॉटेड हमें सर्कल हमें ये शो करता है कि ये डबल बॉन्ड इस रिंग में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, चाहे वो इस पोजीशन पे हो, चाहे वो इस पोजीशन पे, वो हर पोजीशन पे डीलोकलाइज्ड हो सकता है। ठीक है, दो वर्ड में यूज कर रही हूँ, फर्स्ट वन इज डीलोकलाइज्ड, ठीक है, फर्स्ट वन इज डीलोकलाइज्ड एंड सेकेंड वन इज लोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज का मतलब होगा इधर से उधर शिफ्ट होते रहना या इधर से उधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होते रहना, ठीक है ना। और अगर मैं लोकलाइज की बात करूं तो लोकलाइज का मतलब हो जाएगा फिक्स, लोकलाइज का मतलब हो जाएगा फिक्स, फिक्स मतलब एक ही जगह पर वो टिका हुआ है, वो हिल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन में यही एक डिफरेंस होता है, ठीक है, तो यहां पर आपकी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, तो यानी कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, क्या बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इसको हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसको हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, या फिर इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। देखो इसके इतने सारे नाम है, कहीं पर भी ये वर्ड्स लिखे हुए आए तो आपको पहचान जाना है कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसका मेन स्ट्रक्चर है जो हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डबल बॉन्ड इस रिंग में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, उसकी पोजिशन कहीं पर भी हो सकती है। तो ये इस मेन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रियल या फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर आप कह सकते हो,
ठीक है, इसको बोलेंगे ड्यूअल स्ट्रक्चर, या फिर इसको आप बोल सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि अभी मैंने आपको बताया है। आगे लेक्चर मूव करने से पहले इन सारी चीजों को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, रेजोनेंस अफेक्ट क्या होता है, ये तो हमने फिनोमेना पढ़ लिया कि इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस अफेक्ट क्या चीज होती है, ठीक है। अब देखो रेजोनेंस अफेक्ट, हेडिंग डालो रेजोनेंस अफेक्ट। देखो रेजोनेंस अफेक्ट का मतलब होता है मूवमेंट, या फिर यू कैन से शिफ्टिंग, या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हो इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग और सॉरी मूवमेंट शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंपाउंड, विद इन द कंपाउंड। ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। देखो यहां पर आप एक वर्ड और भी यूज कर सकते हो, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन वर्ड। डीलोकलाइजेशन का मतलब भी शिफ्टिंग ही होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने को भी हम डीलोकलाइजेशन ही कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इन चारों में से कोई भी वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो रेजोनेंस अफेक्ट क्या हुआ, रेजोनेंस अफेक्ट का मतलब हो गया डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पोजिशन टू द अदर पोजिशन विद इन द कंपाउंड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूट होना, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना एक जगह से दूसरी जगह पे कंपाउंड के अंदर। तो ये आप डेफिनेशन यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक इतना याद हुआ। उसके बाद देखो ध्यान रखोगे ये परमानेंट अफेक्ट होता है, ये भी एक परमानेंट अफेक्ट होता है, ठीक है। दूसरी बात जो आप नोट डाउन करोगे, ये डेफिनेशन नोट कर लेना, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये पॉइंट नोट करना है, ये पॉइंट नोट करना है। थर्ड पॉइंट आप नोट करोगे, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस होती है, ध्यान रखना। कैसी होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, यानी कि विद इन द कंपाउंड होती है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है विद इन द कंपाउंड होती है, इसका मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर होती है। दो वर्ड होते हैं, दैट इज इंटर और इंट्रा, ठीक है। इंट्रा मतलब खुद के अंदर, इंटर मतलब जैसे कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है, तो यानी कि उसमें बहुत सारे स्कूल्स आके पार्टिसिपेट करते हैं। इंट्रा जो लग जाता है यानी कि स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंटर और इंट्रा में यही स्मॉल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस होती है, यानी ये जो फिनोमिना होता है वो विद इन द कंपाउंड होता है, इसलिए ये हमने वर्ड दिया इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। चलो अब पढ़ते हैं कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस के बारे में, कि क्या क्या कंडीशंस होती है, किन कंडीशंस में रेजोनेंस पॉसिबल होता है। तो आप लोग हेडिंग डालोगे कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, देखो रेजोनेंस की सबसे बड़ी कंडीशन होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्जुगेशन, वो है कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस वही पॉसिबल होगा जहां पर कॉन्जुगेशन होगा। अब कॉन्जुगेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, अगर आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसा दिखाई देता है तो दिस इज द कॉन्जुगेशन, ठीक है। ऑल्टरनेट पोजिशन पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ये भी एक कॉन्जुगेशन होता है। थर्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये भी कॉन्जुगेशन होता है एक टाइप का। फिर लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक कॉन्जुगेशन होता है। तो ये सारी कॉन्जुगेशन कंडीशंस आप याद रखोगे, ठीक है। इन सबके एग्जांपल्स मैं अभी आपको दे रही हूँ, ये सबसे पहले नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का एग्जांपल।
देखो कंडीशन करो आपके पास है सी एच थ्री और इस साइड से आपके पास इस तरीके से है आपके पास। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पे है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी कि दो डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशंस पे प्रेजेंट है। तो ये क्या है, यानी कि इस वाले कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना इस तरीके से ड्रॉ करोगे। देखो सबसे ये वाली चीज भी आप नोट डाउन करोगे कि रेजोनेंस को दिखाते वक्त हम इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एरो कभी भी नहीं शो करते, दिस इज रॉन्ग, डबल एरो शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को ही शो करता है, ठीक है। तो यहां पर देखो यहां पे क्या है, अब ध्यान रखना रेजोनेंस कैसे करोगे, रेजोनेंस हम कैसे करते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पूरा के पूरा इस साइड रखोगे या फिर आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पूरा के पूरा उस साइड रखोगे, यानी कि या तो पूरा कंप्लीट लेफ्ट जाएगा या फिर कंप्लीट राइट आएगा। देखो इस तरीके से कभी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या तो राइट जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट आएगा, ठीक है, लेकिन कभी भी इस तरह की मूवमेंट नहीं होगी, ध्यान रखना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस चीज का आपको केमिस्ट्री में तो खास तौर पे ध्यान देना है, ठीक है, कभी भी इस तरीके से बॉन्ड्स नहीं आएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, या तो इस साइड जाएगा पूरा पूरा या फिर उस साइड जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करूं तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास पांच बॉन्ड हो जाएंगे तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिक यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखा आपने, इस साइड है पूरा के पूरा, ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा ये वाला जो ए, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर क्या जा जाया नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या आया, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, फिर आ गया सी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि अब देखो इसको मैं ऐसे दिखाना चाहूं तो कितने हो गए, 1 2 3 4, अब ये उठ करके यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसके पास डेफिशिएंसी हो गई, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ऐसे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकते थे, हाँ तो जा सकते हैं ना, मैंने कब मना किया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा सकते, देखो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो आप, ठीक है, चलो यही बना देती हूँ, ठीक है। अब एक और बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पूरा के पूरा इस साइड कर लो आप, तो इस साइड होगा तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, देखो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अगर इसका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूं तो फिर कैसे होगा, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा है, ऐसा है हमारे पास स्ट्रक्चर। अब देखो डबल बॉन्ड यहां था शुरू में और यहां था, स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पे थे, जब हमने इसके कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए तो डबल बॉन्ड कहां आ गया, यहां पर, है ना। तो यानी कि डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि तीनों जगह डबल बॉन्ड हो सकता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट डॉट से, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, इसी स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, समझ में आया, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलो ये वाला था आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं कंप्लीट रब कर देती हूँ, नोट्स बना लेना साथ साथ, और इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। और डाउट सेशन आपका होता है 8:30, तो उस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है, डाउट सेशन होगा टेलीग्राम पे 8:30। अब देखो सेकंड कंडीशन हो जाएगी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं वो वाला एग्जाम्पल करा देती हूँ जो आपको अक्सर देखने को मिलेगा, वो है इस तरीके से,
यहाँ होगा NH2, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझ लेना, ये समझ आ गया फिर आप मोस्ट ऑफ द एग्जांपल खुद कर पाओगे। देखो सबसे पहले नॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देन अगेन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन प्रॉपर है, ठीक है। तो यानी कि ये कंप्लीटली रेजोनेंस इसमें है, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये लोन पेयर शिफ्ट होंगे यहाँ पर, इसको मैं दूसरे से शो कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लोन पेयर जो है सबसे पहले शिफ्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है ना, पांच हो गई। तो पांच तो पॉसिबल ही नहीं है कार्बन की वैलेंसी, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पर, समझ आया। तो अब यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन या शिफ्टिंग होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ध्यान से देखो। अब देखो ये और ये, इसको तो मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया, तो ये वाला हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया था यहाँ पर, यानी कि ये बन गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो। तो मैंने पूरा डबल बॉन्ड उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब पूरा का पूरा लोन पेयर शिफ्ट कर दिया, पूरा का पूरा लोन पेयर शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, तो नाइट्रोजन के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी हम शो करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है ना, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे होगा, आगे वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। इसके बाद हो गया ये जो लोन पेयर होगा वो होगा इस पोजीशन पे शिफ्ट, और जैसे ही शिफ्ट होगा इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो उसमें क्या चेंज आएगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया ऐसे, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड को अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, और ऊपर वाला जो होगा वो आप सेम रख दो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखोगे आप नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा अगेन, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ है, ये वाला जो लोन पेयर है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है, और इसको यहाँ कर लो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो है, एक मिनट, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, और इस तरीके से ये डबल बॉन्ड जाकर के वापस से N पे चला जाएगा, और N का पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि ये वापस आ जाएगा इसी पोजीशन पे, लेकिन अब फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा ऐसे, ठीक है। फर्क देख रहे हो आप, पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या थी और अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डिफरेंस दिख रहा है, पोजीशन में डिफरेंस है, बाकी कुछ भी, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन फर्क आएगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन में या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में फर्क आएगा। यानी को अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो इसका मतलब ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि क्या हुआ, डबल बॉन्ड इस पोजीशन में इस रिंग के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। इस सर्कल का मतलब क्या है, डॉटेड सर्कल का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, इधर पोजीशन पे, इस पे, इस पे, इस पे, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अक्सर यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा था, किस किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ध्यान से देखना, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक चीज क्लियर की थी, तो पहले मैं वो चीज फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि कोई स्टूडेंट नया हो तो वो पहचान जाए कि चीजें क्या हो रही है। देखो ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, ठीक है, तो इसकी जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है, जो फर्स्ट पोजीशन होती है, उसको बोलते हो आइसो पोजीशन, ठीक है, पहली बात।
अगर मैंने इस आइसो पोजीशन पर कुछ भी लगा दिया, कंसीडर मैंने बीआर लगा दिया, तो यहाँ पर इस बीआर के एडजेसेंट पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इस पोजीशन को हम बोलेंगे मेटा पोजीशन, और इस सामने वाली पोजीशन को हम बोलेंगे पैरा पोजीशन। ठीक है, अगर ये ग्रुप यहाँ पर भी लगा हुआ है, इवन यहाँ पर लग गया, तो ये ध्यान रखना अगर इसके ऊपर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये आइसो ही है। ठीक है, अगर आप इसके ऑर्थो पे लगाना है तो यहाँ मत लगा देना, इसका एडजेसेंट देखना है आपको। ठीक है, आगे और डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी एक बड़ा लेक्चर बनाएंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर आओ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो यहाँ पे मैं पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज कैसा था, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये क्या हो गया, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ये ध्यान रखोगे ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दिस इज द मेन थिंग। अगर आप ऑर्गेनिक में एंटर कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। इसको रब करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जैसे आपको ठीक लगे ले लो, मैं दो मिनट हट जाती हूँ यहां से। ये लो, क्लियर हुआ? अब हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक और एक या दो एग्जांपल और करते हैं, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो अब एग्जांपल करते हैं ये वाला। ठीक है ना, सबसे पहले एक बार ट्राई करना, खुद ड्रॉ कर सको। ठीक है, बाकी आपको होमवर्क भी दे दूंगी मैं आज। ये वाला एग्जांपल करते हैं, देखो यहां पर कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया ये चीज, आज फिर बता रही हूं कि हमेशा केमिस्ट्री में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होती है, ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगी। यहां पर एक पाई, एक बॉन्ड जो है सिग्मा है, एक पाई है, पाई का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, जहां पर ज्यादा है वहां से मूवमेंट शुरू होगा, ध्यान रखना। यहां पर कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मूवमेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। ठीक है ना, मूवमेंट ऐसे मत कर देना, मूवमेंट ऐसे होगा ज्यादा से कम की तरफ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे तो किस तरीके से होगा, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है ना, तो हमेशा ऐसे किया करो, देखो आसान सा तरीका बताती हूँ, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा ना, तो इस वाले पे नेगेटिव, इस वाले पे पॉजिटिव। अच्छा, तो काफी सारे स्टूडेंट से कहेंगे पॉजिटिव तो यहाँ पे भी आ सकता था, नहीं आ सकता, यहाँ पॉजिटिव कैसे आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे रहेगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके भी तो एक डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर जिनको समझने में दिक्कत आता है वो ये रूट फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, बट हम तो ये वाला मेथड करेंगे फिलहाल, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो शिफ्टिंग होगी वो कैसे होगी, इधर हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई अब यहाँ पे, क्योंकि इसने अपना डबल बॉन्ड दे दिया। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कैसे बनेगा, इसमें देखो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पोजिशन पर, अब इस वाले ने अपना डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहां पर क्रिएट हो जाएगी।
ठीक है, फिर से देखो, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है देख लो भाई, इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह जाएगा। एक चीज और भी देखो, आप नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे पता नहीं, यहाँ पर देखोगे आप ऑल्टरनेट पोजिशन पे एक छोड़ के दूसरी पोजिशन पे आएगा हमेशा, यानी कि देखो पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, फिर आएगा एक पोजीशन छोड़ दो यहाँ पर आएगा, फिर एक पोजीशन छोड़ दो यहाँ आएगा, फिर एक पोजीशन छोड़ दो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से ट्रिक्स हैं, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो ना तो आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि यहाँ पर बहुत बार हमारे टाइम पे मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता था इसमें, इसलिए मैं इन सारी चीजों को आपको साथ साथ में बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये एज इट इज रहेगा, क्लियर हुआ। उसके बाद देखोगे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ऊपर इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से रहेगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो वापिस से आ गया आपके पास सेम स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, लेकिन सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन की पोजिशन में डिफरेंस होगा। तो अब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगी, तो आप मुझे बता सकते हो कैसे बनेगा, बना लिया होगा नोटबुक में अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैं इसका बनाऊंगी तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर हो जाएगा आपके पास सी एच टू, यहाँ क्या था इस तरीके से, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ही, नेगेटिव जो है पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, पार्शियल कर दो, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और रेजोनेंस के द्वारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एक रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या आ जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे वो किस टाइप के होंगे, वो स्ट्रक्चर्स होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर यू कैन से कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से हमें सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके सारे एग्जांपल्स रहेंगे। आई होप, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बस ये करेक्ट कर लेना स्क्रीनशॉट लेने से पहले, रुको मैं कर देती हूँ, अब ले लो स्क्रीनशॉट, ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे एग्जांपल्स। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस में आप कुछ पॉइंट्स और भी एड ऑन कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया है अभी और जो मैं काफी बार रिपीट कर चुकी हूँ कि कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आएगा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन में डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी। आपकी कुछ कंडीशंस रेजोनेंस की, आप कुछ चीजें पॉइंट करके भी लिख सकते हो, बुलेट्स फॉर्म में लिख सकते हो कि ड्यूरिंग रेजोनेंस द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शुड बी सेम, द स्टेट पोजीशन ऑफ एटम शुड बी सेम, मस्ट बी सेम यू कैन से, ठीक है। एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, अगर वहां पर सिंगल आपने हाइड्रोजन की पोजीशन भी चेंज कर दी ना, देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार मिस्टेक करते हुए देखा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगर कंसीडर आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो कि आपने यहाँ OH कर दिया, तो ये ध्यान रखना कि ये रेजोनेंस नहीं है, ये एक ड्यूटोमेरिज्म बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो एटम की पोजीशन सेम होगी, इस चीज का ध्यान रखना, एटम कहीं भी इधर से उधर नहीं मिलेगा, सिर्फ कहाँ जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा, पाई बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जो अक्सर स्टूडेंट्स नहीं करते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्यूटोमेरिज्म में तो आपको हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज होता है, माइग्रेट हो जाता है, तो हमेशा हाइड्रोजन की पोजीशन में भी कोई फर्क नहीं आएगा ड्यूरिंग रेजोनेंस, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता ही रही हूँ, फिर से लिख सकते हो, एनर्जी शुड बी सेम होगा, ऑलमोस्ट सबकी एनर्जी जो होती है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, आपको भी मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ पॉइंट, है ना, क्या करूं, ठीक है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, पोजीशन ऑफ एटम सेम होगा,
should be same. Next point देखो, next point है कि total charge भी होगा वो भी same रहेगा. अभी आपने note कर ही लिया होगा कि जब हमने ये वाला example लिया था तो क्या charge क्या अलग हुआ क्या? चार्ज तो सेम रहा ना पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो इस चीज का भी ध्यान होगी, टोटल चार्ज भी सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशन डिफर करेगी, वो भी इलेक्ट्रॉन की, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना. तो इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है. तो ये सारी कंडीशंस थी, कॉन्सोटेशन होना चाहिए एंड ये सारी चीजें भी होनी चाहिए. तो ये थी कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रूल्स ऑफ रेजोनेंस, क्या क्या रूल्स होते हैं, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ जीओसी नेक्स्ट वाला होगा. तो इस चैप्टर में हमने, इस वाली वीडियो में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है. एक चीज और बोलूंगी, अनअकैडमी पे रैंक बूस्टर क्वेश्चन का जो सेशन था वो बहुत ऑसम था. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट. बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे उसका. और कल भी अनअकैडमी में सेशन है जो आपको, जिसका टाइमिंग, जिसका शेड्यूल, आपको सब कुछ टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं. तो टेलीग्राम का जो अकाउंट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सेशन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर हम थ्योरेटिकली कवर कर रहे हैं, वहां पर आपका नीट 2020 और जेई 2020 के एग्जाम के लिए मेनली वो जो बैच है वो जेई 2020 का है. तो इसलिए वहां पर मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको कवर करवा रही हूँ, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन. जो स्टूडेंट बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता ना, वो भी कहीं ना कहीं उस सेशन को समझ जाएगा, ठीक है ना. इतना एक्सप्लेन करके मैंने वो सारी चीजें वहां पर रखी हैं, ठीक है. इसलिए आप लोगों का वहां पर आना भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है. तो नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में वही अनअकैडमी जो है वहां पर मिलते रहेंगे, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है. इंडक्टिव फैक्ट के नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड हो चुके हैं, डू चेक इट आउट, ठीक है. सारी चीजें बहुत अच्छी जा रही हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. अभी कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है वीडियोज में, जैसे कि कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, आज मॉर्निंग में की मैंने, तो नेटवर्क इशू है और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और मैं आपको ऑर्गेनिक पूरी करवाऊंगी, ट्रस्ट मी. और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है. कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं अभी, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और काफी सारी चीजें हो रही हैं साथ में, लेकिन हम आपके साथ बने रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन में कराती रहूंगी हर कंडीशन में, ठीक है. जिस तरीके से आप हार्डवर्क कर रहे हैं, हम भी हार्डवर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अमेजिंग से सेशन के साथ. तो चलिए टाटा बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद अस.